नेक्स्ट है दिव्या का. आई हैव अ क्वेश्चन. यू मस्ट बी हैप्पी विथ योर यूट्यूब जॉब, बट वंस इन अ वाइल डू यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स? डज दैट हैपन्स टू यू? प्लीज. अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं. हाँ, इससे ही मैं खुश हूँ. वॉट इज योर क्वालिफिकेशन का आंसर दे चुकी हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सब चीजें पिन कर दूंगी, तो आप देख लेना कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन एंड ऑल. इसका आंसर भी मैं दे चुकी हूँ. यू डू समथिंग वियर्ड फ्रॉम अदर्स? हाँ, बहुत सारी चीजें. एक दिन इनको अगर मेरे को परेशान करना है ना, तो मैं यहाँ शांति से लेटा हुआ हूँ बिस्तर पर, ठीक है, ये बाहर से हॉल से बेडरूम तक रेंगती हुई आई ताकि मुझे सुनाई ना दे जाए कि मैं चल करके आ रही हूँ या ऐसा कुछ, ठीक है, और पैरों पे ऐसे जैसे गुदगुदी करता ना वैसे करी. उसके बाद बैठ गई, मतलब वही नीचे लेटी थी. मैं देख रहा हूँ कौन मेरे पैर में छू रहा है. लिटरली ऐसे लेट करके धीरे 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 बच्चों की तरह रेंगते ना, मैं वैसे ही, क्योंकि विक्की को भनक नहीं लगना चाहिए, ठीक है. और मैं बैठ गया आगे चुपचाप, वो हो गई, लेट गई. उसके बाद मैं धीरे से विक्की के पैर में, तो विक्की डर जाता है, तो मैं ऐसी हरकतें बहुत करती हूं. डर नहीं जाता है, अकेले हो कमरे में और कोई दिख भी नहीं रहा कि कौन ने छुआ, तो कहां से पता लगेगा. और ये नीचे बिस्तर के नीचे साइड पर लेटी हुई मिली. एक तरह का रैपिड फायर राउंड है. नाइट आउल और अर्ली बर्ड? नाइट आउल. ये नाइट आउल में इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं है मालूम. विंटर और रेनी विंटर, लव और मनी लव, वियर्ड और क्रेजी वियर्ड, कार और बाइक कार. व्हाट वाज योर एम ड्यूरिंग चाइल्डहुड? मुझे डॉक्टर बनना था. देन व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी टिल टुडे? फेवरेट मेमोरी टिल टुडे, अभी जैसे कॉलेज में हमने प्राइज ये हुआ उसमें जीती, वो मेमोरी है. स्कूल में ये हुआ वो उसमें जीती, ये मेमोरी है. पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ वो मेमोरी है. शादी हुई वो मेमोरी है. घूमने गए वो मेमोरी है. बर्थडे, सब कुछ मेमोरी तो है एक तरह से. तो बेस्ट ही है सब कुछ, जैसे उनमें मैं बेस्ट नहीं डिसाइड कर सकती. व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वर ड्यूरिंग स्कूल्स एंड कॉलेज? मैंने आपको वीडियो अभी बता दिया. हाँ, मैं पढ़ाकू ऐसे पढ़ाकू स्टूडेंट से जो मैं बुक में टॉपर भी पढ़ाकू हम जैसे लोग नहीं टॉपर भी नहीं थी मैं. मतलब मैं अच्छी स्टूडेंट्स में से थी, पर मैं हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही थी, इससे बुकवॉर्म टाइप की नहीं थी मैं. व्हाट कीप्स यू मेंटली फिट हेल्दी? मैं माय डांस, मस्ती करती हूँ मैं वो. पर आप भी मेरे साथ मस्ती करते हो. हाउ टू डिसाइड योर लाइफ पार्टनर? स्नेहा. कंपैटिबिलिटी देखो सामने वाले के साथ, उससे ज्यादा तो और कुछ देखा जाता भी नहीं है वैसे भी. और क्या ही पता लगा लोगे जब तक आप सामने वाले के साथ रहोगे नहीं. कंपैटिबिलिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. बिलीव इन डेस्टिनी? नो. क्यों? डेस्टिनी इज लाइक वन इन अ मिलियन टाइम्स कि किसी को मिलना था मिल गया, अदरवाइज जो काम करोगे वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता. उसके बाद आयु गुप्ता का क्वेश्चन बोलू या कॉम्प्लीमेंट बोलू. आई एम 7 months प्रेगनेंट एंड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग प्रेगनेंसी वीडियोज आई डेली वॉच योर वीडियोज. आई एम एडिक्टेड टू योर वीडियोज. मैं सोचती हूँ अगर मेरी कोई बेटी हो तो वो रुचि जैसी हो. ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. ये एक तरह से मेरे पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट है. मतलब थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो और आपको जैसा बेटी चाहिए वैसी. हाँ, मैं विक्की के क्वेश्चंस फटाफट लेती हूँ, फिर वापस से मेरे क्वेश्चंस पे आएंगे. आप और विक्की सर कैसे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करते हो? आई मीन बहुत ब्यूटीफुल लगता है देख के, प्यार मस्ती गुस्सा एवरीथिंग. मैं भी चाहती हूँ मेरा फियांसे से शादी के बाद ऐसे ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो. एंड अगर पॉसिबल हो तो आप आंसर करना. आई नो बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, तो आंसर बहुत सिंपल है. देखो, जब प्यार हो तो ज्यादा बह मत जाओ उसमें, और ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो तब भी मत बह जाओ. तो एक बैलेंस बनाकर रखो, लाइफ बहुत आसानी से चलती है और बहुत हेल्दी रहती है. लेकिन दोनों ही चीजों में ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है. मीठा डायबिटीज कर देगा और ज्यादा कड़वा जहर बन जाएगा. हाँ, एग्जैक्टली. डू यू थिंक यू शुड बाय अ होम इन मुंबई? आई नो यू ऑलरेडी हैव अ हाउस इन भोपाल और इंदौर, बट दैट्स योर पेरेंट्स होम, सो डोंट यू थिंक यू एंड विक्की शुड बाय योर ओन होम? एंड विक्की शुड बाय योर ओन होम एंड स्टेइंग इन अ रेंटेड प्लेस इज अनर्विंग एज यू हैव टू मूव ऑफन, डोंट माइंड. कविता, अभी तो हम इस बात के लिए थैंकफुल है और ग्लैड है कि हमने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया ऐसे टाइम पे. बहुत है ना, मतलब बीच में हमारे दिमाग में ऐसा आया था, बट हमारे पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स बहुत मेच्योर और बहुत समझदार हैं. विक्की के पापा भी बहुत समझदार हैं, मेरे पापा भी बहुत समझदार हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने हमको एक बहुत अच्छा गाइडेंस दिया. एंड
हम लोग अभी ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर्स सबको एवेल्युएट करने के बाद यही चीज डिसाइड की थी हम दोनों कि ने अभी, कि कुछ अभी फिलहाल नहीं, नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, पैसा इकट्ठा कर लो, उसके बाद देखा जाएगा, अगर नीड होगी तो लेंगे, अगर नीड नहीं होगी तो नहीं। एग्जैक्टली, मतलब अभी जो सिचुएशन, ये हमको पता था एक डेढ़ साल से कि रिसेशन टाइप का कुछ हिट करेगा, ठीक है, तो हमारा मेन पॉइंट था कि लिक्विड अमाउंट होना जरूरी है, बाकी सब तो देखो अभी मेन जान है तो जहाने वाला फैक्टर है, और सब पैसा है तो सब कुछ है, घर तो अभी हमारे है ही बेस वाले, क्योंकि मेरा घर भी मेरा ही है, विक्की का घर भी विक्की का ही है, तो ऐसा कुछ हमारे इश्यूज है नहीं कि बहुत बड़ी फैमिली है तो भाई बहुत फालतू नाटक होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी तो फिलहाल है। ऑब्वियसली सबका मन होता है अपना घर लेने का, बट वो बात की बात है, अभी जो सिचुएशन उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। इफ विक्की भैया टेल यू टू नॉट टू डू समथिंग बिकॉज दैट विल बी बैड फॉर यू, हाउ यू डील विद दैट? यू अग्री दैट फर्स्ट टाइम और ट्राई टू कन्विंस हिम दैट इट विल बी गुड? अभी देख, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, बताया ना हम लोग एज अ पर्सनैलिटीज डिफरेंट है बट हमारे वैल्यूज बहुत सेम है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही ऑफेंड हुआ था जब इन्होंने मेरे बाल स्टेप्स में काट दिए थे। मतलब लड़कों के बाल स्टेप्स में कौन काटता है? स्ट्रिक इंजल का, व्हाट इज द मोस्ट अनोइंग थिंग्स ऑफ यू टू व्हिच यू गाइस वांट दैट इट शुड बी चेंज्ड? पहले लगता था विक्की बहुत लेजी है, बट अभी लॉकडाउन में वो भी उसने मतलब हेल्प कराता है, वो मेरी और क्या अनोइंग है यार आप में, और है तो ऐसा बहुत सही, अभी गुस्सा दिला दो मुझे थोड़ा, मैं 100 चीज गिरा दूंगी। फिर मेरी अच्छाइयां भी बुराइयां बन जाएंगी, देखना अभी है? मतलब अभी मेरे को ऐसे नहीं समझ में आएगा, मुझे ऐसे कोई भी पूछेगा तो मुझे नहीं समझ में, ऐसे नहीं वीडियो के लिए भी, आप रैंडम भी मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मुझे नहीं याद आएगा, लेकिन अभी आप मुझे गुस्सा दिला दो, ये आदमी मुझे लड़ ले बस, तो फिर मेरे को 100 चीजें। अरे 2 घंटे का क्यू एन ए एन ए क्यू बन जाएगा। अभी आप मेरा, आप मेरा बताओ दो अनोइंग चीजें। मैंने सोची थी लेकिन मैं भूल गया अभी। ऐसे क्या होता है कि अनोइंग चीजें सोची थी और फिर भूल जाता है? नाइस थिंग्स ऑफ यू टू। नाइस तो बहुत अच्छी है, क्यूट है, और क्या अच्छी चीज बोलो थोड़ा थोड़ा। क्यूट टू नाइस, और आगे अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ। हाँ अभी बहुत अच्छा खाना बना के खिला रही है। नाइस विक्की के लिए नाइस चीजें हैं। मैं अच्छा हूँ, सुनो मेरे को ना नाइस याद आ रहा है ना अनोइंग याद आ रहा है, विक्की ओवरऑल ही अच्छा है। हाय रुचि, जब विक्की भैया आपको कुछ भी ऐसा गलत कह दे, मतलब नॉट रॉन्ग वर्ड्स बट हर्टफुल थिंग्स इवन बाय मिस्टेक, देन हाउ यू रिएक्ट एंड पनिश हिम बिकॉज योर नेचर इज सिमिलर टू माइन? आई डोंट टॉक टू हिम। हाँ शी फर्स्ट, देखो देर आर स्टेप्स विच यू नीड टू एग्जीक्यूट। फर्स्ट इंस्टाग्राम से बैन करो, सेकेंड फेसबुक से बैन करो। फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ओनली। हाँ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप से बैन करो। सेकेंड खाना पीना छोड़ दो। थर्ड बनाना भी छोड़ दो। बनाना छोड़ दो, बनाना छोड़ दो, ठीक है। मतलब मैं नहीं खा रही तो खाना पीना नहीं, मैं तो खा लेती हूँ, मेरे को तो जरा सी चीजें खाके फिर विक्की को भूख ज्यादा लगती है, तो मैं खाना बनाना छोड़ देती हूँ, ठीक है। सेकेंड थर्ड उसके बाद मैं अपने कमरे में विक्की को बात, देखो विक्की ऐसा है कि भले वो बातें नहीं करता ज्यादा, बट उसको बुरा लगता है जब मैं उससे बातें नहीं करती हूँ, तो मैं अपने कमरे में होकर बैठ जाती हूँ, वीडियो देख लूंगी हेडफोन लगा के, कमरा बंद कर देती हूँ, ऐसे विक्की को अवॉइड करती हूँ फुल ऑन। फिर विक्की मना रहे, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे रह लेते हो? आई मीन जैसे आपको रहना है वैसे ही रहते हो, डिसीजन पर कैसे? आई एम 3 years मैरिड गर्ल, बट मुझे जैसे मन में आया वैसे अगर फलाना ढिमकाना, मुझे लगता है ससुराल वालों को बुरा ना लग जाए, प्लीज बताइए। नहीं इतना नहीं सोचती मैं कि बुरा ना लग जाए, मतलब अगर लग जाता है तो फिर रीजन पूछूंगी कि क्यों लग गया एंड ऑल दैट, मैंने ऐसे किया था, मतलब अगर आप क्या बुरा ना लग जाए, मतलब ऐसा क्या लगे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये वाला भी, अभी तक तो ऐसा मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि बुरा ना लग जाए एंड ऑल दैट, और उन लोगों को लगता भी नहीं है बुरा। आई थिंक एक चीज बताती हूँ, आप स्टार्टिंग के टाइम में अपनी शादी के 2 साल आप जैसे रहोगे ना, स्टार्टिंग में हो सकता है उन लोगों को बुरा लगेगा एंड ऑल दैट, आप अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी परफेक्ट इमेज बनाने के चक्कर में नॉट, मतलब आप बीइंग यू नहीं हो, आप कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक यू आर वेकिंग अप अर्ली, यू आर वेयरिंग परफेक्ट एकदम बहू वाला ड्रेस एंड पटा रहे हो सबको, फुल ऑन घर के काम कर रहे हो, बट एक्चुअली आप वो हो नहीं, ठीक है। अभी कभी ना कभी तो आपकी रियलिटी सामने आएगी ना, तो जब वो सामने आएगी तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन लेवल आपने यहाँ रख दी है, अब वो एक्सपेक्ट इससे तो ऊपर ही करेगा, नीचे कभी नहीं करेगा, अब आप काम यहाँ कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो इट्स बेटर कि आप काम यहाँ करो, उनका एक्सपेक्टेशन भी यही रहेगा, फिर जब आप यहाँ काम कर लोगे ना तो उन लोगों को हैप्पीनेस होगी, मतलब दे विल नॉट एक्सपेक्ट एटलीस्ट की, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसा शादी के 2 साल
रहते हो या करते हो या जैसा भी है, वो इनिशियल फाउंडेशन होता है आपके रिलेशनशिप का, आपके ससुराल वालों के साथ रिलेशनशिप का. तो मेरे उस इनिशियल फाउंडेशन में आई थिंक मेरे ससुराल वालों को ये पता चल चुका है कि मेरा नेचर एक्चुअली में कैसा है और मुझे किस में खुशी मिलती है एंड क्या, और मुझे भी उन लोगों का पता चल चुका है. तो दोनों के तरफ से थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़े हैं एंड वो चीज़ें फिर कोप अप हुई हैं. तो इस तरह से आई सजेस्ट यू, मतलब बुरा ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए. इतना सोचोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे और अपने मन की चीज़ कभी कर नहीं पाओगे. एंड एट द एंड जब आपकी लाइफ खत्म हो रही होगी तो आप सिर्फ ये सोचते रह जाओगे कि काश हम ये कर लेते, और दूसरों को देख के आप सोचते होगे कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे. सो मैं ऐसा बोलूँगी, हाउ टू लर्न टू लव योर सेल्फ. आप जो वाइब्स अपने अंदर रखते हो ना, वो वाइब्स आप सामने वाले के पास मतलब छोड़ते हो, मतलब वो वाइब सामने वाला कैच करता है. सो इफ यू कीप पॉजिटिव वाइब्स इनसाइड यू, पीपल विल गेट दैट वाइब्स फ्रॉम यू. इफ यू कीप नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, पीपल विल गेट दैट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू. पॉइंट है, अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, अगर मैं खुद को प्यार नहीं करूंगी तो विक्की या कोई और या आप लोग मुझसे कैसे प्यार करोगे. गेटिंग माई पॉइंट, मैं खुद को प्यार करती हूँ इसलिए मैं खुद की देखभाल करती हूँ. मैं चाहती हूँ कि ये जो भगवान ने मुझे दिया है ये अच्छे से मैं इसको रखूँ, इसकी देखभाल करूँ, एक गिफ्ट है मेरे लिए. मतलब सर्च योर हैप्पीनेस इन योर सेल्फ. खुद से खुश रहने लगोगे तो आप खुद से प्यार भी बहुत करने लगोगे, इफ दैट मेक्स एनी सेंस. कि अगर आप किसी के लिए केयरिंग हो और आपने उसका फुल सपोर्ट भी किया हो, देन कुछ हॉट टॉक के बाद वो आपसे बोले अपने काम से काम रखिए, देन वॉट इज योर एक्शन, लीव देम, उसका लॉस है. About it, what motivated you to start YouTube channel? You were not scared or skeptical to share your personal life in public. मेरे पास देखो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसका मैं खुद इस चीज की बॉस हूँ, है ना. ये मेरे ऊपर है कि मुझे कितना कॉन्टेंट शेयर करना है और मुझे कितना कॉन्टेंट शेयर नहीं करना है. तो दिस इज टोटली अप टू मी. तो मेरे कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं करती हूँ. था कि मुझे कितनी चीज़ें दिखानी है और कितना चीज़ें नहीं दिखाना है यूट्यूब पे. अब आपको ज़्यादातर लोग दबंग लेडी बोलने लग गए हैं, सुन के कैसा लगता है. ऑब्वियसली आई फील गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव का, कि आप बहुत कूल हो और मुझे पता है कि आप सच में बहुत कूल हो, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में सीरियस हुए थे कि नहीं हुए थे, या ऐसा था कि एग्जाम है हो जाएगा लाइक यू नाउ. मैं अभी 10th और 12th में भी मैं ऐसी ही थी जैसी मैं अभी हूँ. शिफाली का है, हाय रुचि, आई फॉलो यू सिंस लास्ट 2 years. बस मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यही कहूंगी कि तुम्हारे जैसा सोच रखने वाला बिंदास लड़की दूसरी नहीं है. हर काम में पर आई लव यू लॉट, इवन माई डॉटर्स लव यू. थैंक यू सो मच शिफाली, इट मीन्स अ लॉट. और मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, ऐसा लगता होगा कि आपको मैं परफेक्ट हूँ, बट आई एम नॉट परफेक्ट इन एवरीथिंग. और रुचि, आपके खुश रहने का राज क्या है? क्या विक्की से लड़ाई करके आपका मूड ऑफ नहीं होता है, आप हमेशा मस्त रहती हैं? कैसे? मैं हमेशा खुश नहीं रहती, जब विक्की से लड़ाई होती है तब मेरा मूड ऑफ हो जाता है. वैसे मैं, अगर कुछ हुआ नहीं है, कुछ नेगेटिविटी नहीं हुई, तो मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ और मतलब एंथुजियास्टिक रहती हूँ, चीयरफुल रहती हूँ, मस्ती करने वाले मूड में रहती हूँ मैं ज़्यादातर. जैसा लगता है ये सब मैंने आपके बैकग्राउंड से बहुत फ़र्क पड़ता है. मेरी मम्मी हमेशा ऐसे मस्त और मस्ती के मूड में रहती है, तो मैं भी वैसे ही, हमारे घर का माहौल भी बहुत वैसा रहता था, मस्ती वाला. मतलब मेरे पापा शांत हैं बट हंसते बहुत हैं वो, और मेरी मम्मी बहुत मस्ती करती थी और मैं बहुत मस्ती करती थी, और हम लोग हंसना चालू करते तो हम रुकते नहीं हैं. तो मेरे घर में भी बहुत पॉजिटिव माहौल मुझे मिला है, मतलब अपार्ट फ्रॉम आफ्टर माई मैरिज लाइफ, बट मुझे मेरे घर में बहुत पॉजिटिव. तो मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स और मस्ती वाले माहौल में, टेंशन नहीं है कुछ चीज़ का, वैसे माहौल में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है. तो मुझे लगता है कि उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है, तो मेरा नेचर ही वैसा हो चुका है. हाउ टू डील विद इन-लॉज हु आर डोमिनेटिंग इन नेचर एंड नॉट वांट दैट यू शुड मेक योर करियर, प्लीज थ्रो अ लाइट ऑन माई क्वेश्चन डियर. आयुषी का क्वेश्चन, मैं ये बोलूंगी कि नो वन कैन स्टॉप यू टू मेक योर ओन करियर. ठीक है, ये इसमें तो किसी की भी, आप अपने हस्बैंड की भी नहीं सुन सकते हो. मतलब इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर. भगवान ना करे कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप अभी तो आप डिपेंडेंट हो अपने फैमिली पे ना, लाइक इन लॉस पे, और अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो. यार इंडिपेंडेंट होना एक अपने में बहुत अलग चीज़ होती है. सो क्यों नहीं बनाने देना चाह रहे हैं करियर? और अगर वो ऐसी बातें करें कि लड़कियां शादी के बाद काम नहीं करती, ये नहीं करती, तो उनको थोड़ा रियलिटी चेक दो कि भाई थोड़ा रियल लाइफ में आइए, पुराने का ज़माना ख़त्म हो चुका है, लड़कियां आजकल ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं. ऐसे करके उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताइए. नहीं समझते हैं फिर भी, तो आई वुड सजेस्ट यू कि करियर के नाम पे तो यार आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. मतलब उसके लिए बाय हुक और बाय क्रूक आप करियर को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. अगर आपका मन है और आप करना चाहते हो, नो वन कैन स्टॉप यू. तरीके से आप उनसे ये बोल सकते हो कि ठीक है भैया, आप मुझे, मेरे को बाहर जॉब नहीं करने दे रहे हो, तो जितना मुझे बाहर सैलरी मिलने वाला है आप मुझे उतना हर महीने पे कर दिया करो मेरे अकाउंट में. पॉइंट्स रखिए उनके सामने थोड़ा,
थोड़ा घुमा फिरा के एंड ऑल दैट. कृष्णा का क्वेश्चन है कि आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है और ये कहाँ से आया. इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है. थैंक यू सो मच. आप लोग बहुत स्वीट हो कि आपको मेरी इतनी सारी चीजें अच्छी लगती है. वो मैरिड लाइफ अच्छी लगती है या शादी से पहले ज्यादा अच्छा लगता था, प्लीज टेल मी. ऑब्वियसली देखो, शादी के पहले की तो ऐश की बात ही अलग थी. मैं शादी के पहले मैंने बहुत इन्जॉय किया है. बहुत इन्जॉय इन द सेंस मीन्स मैंने फुल ऑन लाइफ जी, जिसको कहते हैं ना. मैं बहुत, मैंने जॉब किया है, भयानक शॉपिंग किया है, घूमी फिरी हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, डांस किया है बहुत, जिम गई हूँ, कॉलेज लाइफ बहुत इन्जॉय करी है. तो वो भी एक टाइम था जो मैंने बहुत इन्जॉय किया. अपने पेरेंट्स के, कहते हैं ना, माँ बाप के आंगन में बहुत ऐश करना वाला, बिल्कुल कोई काम नहीं करना है, हाथों पर सब चीज़ें मिल रही हैं. तो वो भी एक टाइम था. और अभी शादी के बाद अलग लाइफ जी रही हूँ मैं. बिल्कुल फुल ऑन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन. घर पे मैं सोच भी नहीं सकती थी 3 साल पहले तक कि मैं खाना और एक घर मैनेज कर सकती हूँ. तो वो एक अलग लाइफ थी, ये एक टोटली अलग लाइफ है. तो भी इंजॉय क्या, वो भी एक टाइम था, ये भी एक टाइम है. तो दोनों अपने अपने टाइम है, दोनों अच्छे हैं. टच वुड, दोनों अच्छी से चल रही हैं. उसके बाद रेखा पारे का क्वेश्चन है. रेखा पारे का क्वेश्चन है कि हाय रुचि, कभी रिग्रेट नहीं होता इतना पढ़ने के बाद सब छोड़कर यूट्यूबर बन गए? आपके फ्रेंड्स होंगे जो जॉब करते होंगे, उनको देखकर पढ़ाई में जो मेहनत की वेस्ट हो गई. ओके, नाउ रेखा का क्वेश्चन. और एक और जो क्वेश्चन आया था मेरे पास, निक्की का ये जो क्वेश्चन आया था, हाय रुचि दी, आपने एमटेक करा है, देन व्हाई डिडंट यू चूज फॉर अ जॉब? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्वेश्चन चीज बताती हूँ कि पढ़ाई कभी भी, पहली बात तो वेस्ट नहीं होती, ठीक है. मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने एमटेक किया है, उसके बाद मैंने जॉब भी किया है. ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल जॉब नहीं किया है. ये मेरी डिग्रीज हैं जो कि कभी भी वेस्ट नहीं हो सकती है. मेरे पेरेंट्स का हमेशा से शुरू से ये था कि आपको जो करना है लाइफ में आप वो करो, बट पहले अपनी डिग्रीज कंप्लीट करो. एंड कहीं ना कहीं एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरे को आज 29 ईयर्स, मैं 29 ईयर ओल्ड की हूँ. जितने लोगों से मैं मिली हूँ, जो मेरा अभी तक का लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग. तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मेरी वेस्ट हुई है किसी भी तरह से. ये मेरा पैशन है, यहाँ मैं अपना पैशन फुलफिल कर रही हूँ. एंड दूसरी चीज़, मुझे रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होता कि मैंने ये सब छोड़ करके ये किया, क्योंकि मुझे भी पता है कि यूट्यूब आज है, कितने टाइम का है हमें नहीं पता है, ठीक है. कब तक ये चलेगा मुझे भी नहीं पता है. ये बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ, हो सकता है इस आंसर से बहुत सारे लोग मेरे ऑफेंड हो जाए. जितने भी लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन अच्छा किया है, आप उन यूट्यूबर्स का चैनल देखो ना आप. और एक मतलब, मैं किसी को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट या मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट रख रही हूँ कि एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती. आप किसी भी एजुकेटेड, जिसने अच्छी पढ़ाई करी है, यूट्यूब का चैनल देखोगे और आप दूसरे का चैनल देखोगे तो आपको फर्क मिलेगा ही मिलेगा. मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा. और एंड सेकेंड चीज, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी IT में जॉब कर रहे हैं, दे ऑल आर लाइक वेरी अप्रिशिएटिंग एंड सो मोटिवेटिंग टुवर्ड्स मी. आज जितना वो अर्न कर रहे हैं उतना ही मैं अर्न कर रही हूँ. मैं अपने पसंद का जॉब कर रही हूँ. आई हैव नो ट्रैवलिंग आवर्स, मेरे को कोई ट्रैवलिंग आवर्स नहीं है. मैं घर पे बैठ के जैसे मुझे करना है वैसे मैं अपनी खुद की बॉस हूँ. जितनी छुट्टी चाहिए मुझे उतनी छुट्टी लेती हूँ. तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं यूट्यूब के. तो ऐसा नहीं है, इतना मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस थिंग. कल को अगर भगवान ना करे आज से 4-5 साल, जितने भी साल का है यूट्यूब, जितने भी साल बाद ये बंद हो जाएगा, तो डेफिनेट बंद होता है तो 10 और गेट आपके खुल जाते हैं. तो वो गेट मेरे दिमाग में है. मैं जिस दिन चाहूँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुंबई के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं अप्लाई कर सकती हूँ फॉर टीचिंग जॉब. मैं चाहूँ तो HR की जॉब कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड. और अगर मैं चाहूँ तो मैं IT कंपनी में वापस जा सकती हूँ, उसमें कम बैक कर सकती हूँ. तो इसका कोई टाइम नहीं है, इसका कोई वो नहीं, मतलब वेस्ट तो कुछ नहीं होता है. पढ़ाई कभी भी आपकी वेस्ट नहीं होती. इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि मैंने कम से कम अपनी सारी डिग्रीज कंप्लीट कर ली. आई एम एजुकेटेड इनफ और उसके बाद मैं इस फील्ड में आई हूँ. तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है मुझे. आई एम हैप्पी. वेयर देयर इज कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड, वॉट मोटिवेट्स और एनकरेज यू? मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, कंपटीशन किससे कंपटीशन करूं मैं, किससे कंपटीशन करूं? किसी और यूट्यूबर से कंपटीशन करूं, या किसी और इंसान से कंपटीशन करूं, या किसी और की लाइफ के साथ कंपटीशन करूं? मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ एज मुझे ऐसा लगता है, मैंने बताया ना, मेंटल पीस एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन पीपल हु लुक्स वेरी गुड एंड वेरी यू नो हैप्पी एंड हैप्पी कपल्स एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, अंदर से एकदम ब्लैंक खोखले और बोलते ना अंदर से एकदम कालापन है, वैसे लोगों को मैंने देख के रखा हुआ है. तो मतलब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत मतलब इतनी शो ऑफ वाली लाइफ है आज के टाइम पे हम जहाँ रह रहे हैं. एवरी सेकेंड पर्सन यूज टू शो ऑफ देयर
लाइफ, अरे वी आर बेस्ट कपल, वी आर हैप्पी कपल, पता चल रहा है घर में एक दूसरे को गालियाँ पड़ रही हैं, पति गालियाँ दे रहा है, मार रहा है, मारा पिटी हो रही है, ये सब हो रहा है, तो मतलब एवरीथिंग, मतलब इतना अजीब एनवायरमेंट चल रहा है अभी, तो इसमें कॉम्पिटिशन तो फैक्टर मेरे दिमाग में आता ही नहीं है. एंड दूसरी चीज, एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबके स्ट्रगल्स डिफरेंट है, सबका काम करने का तरीका डिफरेंट है. तो सिर्फ ये कोशिश करो कि आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हो, आप अपने आप में कितना खुश रह के, पॉजिटिव रह के, सेटिस्फाइड रह करके काम कर सकते हो. इतना कॉम्पिटिशन अपने दिमाग में मत लेकर के आओ. सच बता रही हूँ, ये सब बहुत स्ट्रेस देने वाली. ये कॉम्पिटिशन वर्ड इज इटसेल्फ अ वेरी नेगेटिव, मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेसफुल टाइप का वर्ड है. हाय गाइस, मैं पहले कल शूट रात में शूट कर रही थी और मुझे काफ़ी लेट हो चुका था, तो दैट्स वाई मैं अभी दिन में शूट कर रही हूँ. एंड ड्रेस्ड अप मैं पूरा सेम हुई हूँ, सिर्फ मेरा बैकग्राउंड चेंज हुआ है. पहले मैं उधर बैठी थी, अभी मैं इधर बैठ गई हूँ. सो यस, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा फर्दर जो Q&A सेशन है उससे. तो उसके बाद नेक्स्ट है, आपने अपने घर को इतना वेल ऑर्गेनाइज कैसे रखा है, टिप्स दीजिए. सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपके जितने भी घर में लोग रहते हैं ना, उन सबके अंदर ये हैबिट डेवलप होनी चाहिए कि जो चीज जहां से उठाइए वो वहीं रखी जाए. अब ये सिचुएशन हो गई है मेरे घर में कि अगर सपोज मैंने कोई कपड़े और या मेरा कोई मेकअप का सामान जब मैं शूट करने के बाद छोड़ देती हूँ उस जगह, मैं सोचती हूँ थोड़ी देर बात करूंगी, तो विक्की हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है कि अरे ये क्या सामान फैला करके रखा है, इसको जगह पे रखो. मतलब अभी नाउ ही स्टार्टेड लाइकिंग ऑर्गेनाइज चीजें, तो पहले ऐसा नहीं होता था बट अभी वो ऐसा हो चुका है. तो मतलब उसने भी अपने हैबिट इस तरह से डेवलप कर लिए, तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप होती है. एंड यू आर द पर्सन हुज नेम इज टेकन बाय मी एटलीस्ट 4 to 5 times इन अ डे फॉर वन और अदर रीजन. सो स्वीट ऑफ यू यार, सो स्वीट ऑफ यू. वन क्वालिटी विच विक्की भैया हैज एंड यू डोंट एंड यू वुड नेवर वॉन्ट टू लर्न इट फॉर योर लाइफ, विक्की का शांत रहना, वो विक्की के अंदर है और मेरे अंदर नहीं है, और मैं कभी अपने लाइफ में वो चीज सीखना भी नहीं चाहती हूँ. देन हाउ आर यू सच वंडर वुमन एंड एक्सट्रीमली अमेजिंग एंड आंटीज की तो वाट लगेगी. कॉल आंटीज. एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समथिंग यू एक्ट लाइक अ किड विद जीजू, डिड ही टॉलरेट यू आर नॉट. मैं ऐसे एक्ट नहीं करती हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग. मैं बहुत सारे लोगों को देखो, सबके नेचर अलग अलग होते हैं, तो मेरे को ये ऐसे होता है ना, एक तो ये बाबू शोना और जो बड़े बड़े एज के लोग और मेरे एज के जो लड़कियाँ होती हैं वो ऐसे किडिश बिहेव करती है ना समटाइम्स अपने पेरेंट्स के सामने या अपने हस्बैंड के सामने. आई हेट दैट, आई लिटरली हेट दैट. और मेरी कोई भी फ्रेंड इस तरह से नहीं है और ना मैं पसंद करती हूँ. मतलब मैं तो मेरे सामने कोई ऐसी हरकत करती हूँ तो मैं उसकी उड़ा दूँ मुँह पे, उड़ा दूँ मतलब मैं उसके मुँह पे हंस हंस के लोटपोट हो जाऊँ यार. मैं नहीं झेल, ना मैं खुद झेल सकती हूँ ना मैं करती हूँ. तो आई डोंट थिंक सो विक्की को भी, विक्की भी नहीं झेलने वाला ये सब. हम लोग हु डज दैट. बट मुझे ये बहुत अनॉइंग लगता है जो ये बच्चों ने ऐसी आवाज में निकाल कर कि बेबी तुम ये व्हाटएवर दैट इज, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आई कांट टॉलरेट. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनाली का, ब्लॉग में विक्की भैया आपकी हेल्प करते हैं काम में तो सास या ससुराल वाले कुछ बोलते हैं क्या आपको? टचवुड है अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो लोग ऐसा इंटरफेयर नहीं करते हैं. मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्टर बताती हूँ. इट्स नॉट कि विक्की की मेरे से शादी हुई है इसलिए विक्की मेरी हेल्प करता है या हम ब्लॉग बनाते हैं इसलिए विक्की हेल्प करता है. शुरू में जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता था, विक्की दाल बनाता था, विक्की चावल भी बनाता था, सिर्फ रोटियां मैं बेलती थी, लिटरली बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को काम नहीं आता था और मेरे को कुछ बनाना भी ढंग से नहीं आता था. तो ये जो फैक्टर है विक्की वाला, तो विक्की के जो पापा हैं मतलब मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी जैसे अभी भी मैं बता रही हूँ शुरू से, मैं उनको कितनी बार भी बोल दूँ कि मैं आपको खाना सर्व कर देती हूँ, वो कभी भी मेरे से नहीं खाना सर्व करवाते. वो खुद अपना खाना लेते हैं, उनको जो जो लेना होता है वो लेते हैं, खुद बैठते हैं, अपनी प्लेट रख के आते हैं, अगर मेड नहीं आती तो अपनी प्लेट धो देते हैं, ठीक है. उसके बाद अपनी चाय, अगर दिन की जो चाय होती है वो खुद बना लेते हैं, कभी नहीं बोलेंगे कि तुम बना दो या ये या फलाना या ढिमकाना. मैं बोलती हूँ कि मैं बना देती हूँ तो भी वो अपना खुद काम करते हैं. मेरी मदर इन लॉ जब थोड़े थोड़े दिन के लिए जैसे कहीं बाहर जाती है, नानी जी के यहाँ जाती हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाती हैं या अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वैसे टूर पर जाती हैं, तो भी मेरे फादर इन लॉ पूरा घर का काम कर लेते हैं, घर में एक डस्ट नहीं मिलेगी. सो ये सारी चीजें ना अपब्रिंगिंग से होती है. विक्की ने ये चीजें देखी होंगी आई गेस बचपन से, है ना. अदरवाइज इसलिए मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था उससे काम करवाना. ये अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अपब्रिंगिंग का कमाल है और कुछ नहीं है. आप किसी को भी पूरा एकदम नॉर्थ टू साउथ चेंज नहीं कर सकती. मैं 3 साल में अगर मैं सोचूं कि मैं इस बंदे को चेंज कर दूं तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ. उसने ये चीजें उसके घर में देखी हैं इसलिए वो ये सब चीजें कराने में काफी इजी टू डू है. और नहीं बोलते वो लोग भी, एंड इवन मैंने भी अपने घर में, मेरे पापा
50-50 काम होता है हमारे मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं मेरे यहाँ तो मेरा तो पहले से एक्सपेक्टेशन था कि लड़के को तो काम करना ही पड़ेगा घर का आधा और विक्की ने भी घर उसके घर में ये सारी चीजें देखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू ड्रिंक एंड इफ यू ड्रिंक व्हाट ड्रिंक्स यू लाइक एंड इफ यू ड्रिंक व्हाई डोंट यू ड्रिंक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं. तो मैं जब छोटी थी ना 11th-12th में तो मुझे पता चल मतलब पापा का मुझे ये पता चला कि वो नहीं पीते हैं, ही नेवर ड्रिंक, वो ड्रिंक नहीं करते हैं, वो इवन वो ये जो तंबाकू वम्बाकू ये सब स्मोक वगैरह कुछ भी उनके अंदर ऐसी हैबिट्स नहीं है. तो मैं उनसे पूछती थी और जबकि उनके फ्रेंड्स में सब पीते हैं, पूछती थी कि आप क्यों नहीं करते हो, आपको पसंद नहीं आई क्या, आपने ऐसा क्यों. तो मेरे पापा हमेशा ये सेंटेंस मुझे बोलते थे कि कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं जो मैं करूँ, है ना. तो मैं पूछती थी कोई आपने ट्राई किया क्या उसको, तो मेरे मम्मी बोलते थे कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, कोई फायदा कर रही हो आपकी बॉडी को तो मैं ट्राई भी करूँ. तो ऐसे करके वो मुझे आंसर देते थे. ठीक है, तो मैंने कॉलेज में भी हो गया कभी ड्रिंक नहीं करा, ना ही मेरा कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा था. कॉलेज के बाद जब मैं जॉब लाइफ में भी आ गई तब भी मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया. शादी हुई द फर्स्ट टाइम मैंने एक बार ट्राई करके देखा कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं. जब मैंने ट्राई किया यू वोंट बिलीव इट, एक तो मुझे इतना वाहियात इसका टेस्ट लगा, मतलब इतना गंदा इतना कड़वा उसका टेस्ट लगा, सेंसेशंस होने लग गए एंड ऑल दैट, आई डिडंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद आया. उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं सोकर की उठी तो मेरा पूरा सर दुख रहा है, हेडेक हो रहा है. मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था, मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ कि मैंने कब किया है क्या किया है नॉर्मल, मैंने ट्राई किया हुआ है, है ना. ऐसा नहीं कि मैंने बेवड़ों की तरह बिल्कुल पी के लुढ़की हुई हूँ, मैंने ट्राई किया है विथ सुपरविजन के साथ, विक्की साथ में है और ऐसा, है ना. तो ऐसे करके तो मेरे को दूसरे दिन भी हेडेक हो रहा है नॉर्मल, तो मेरे को आई स्वेयर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, पूरा दूसरे दिन भी मेरा बर्बाद हुआ, मेरे को हेडेक होता रहा. तो मैं विक्की से एक क्वेश्चन पूछती थी, इसको लोग क्यों करते हैं, क्या मजा आता है, मतलब ठीक है सबका अपना अपना टेस्ट है भाई, किसी को लेस पसंद है, किसी को कुरकुरे पसंद है, एक वैसा फैक्टर बता रहे. तो ऐसी ड्रिंक में भी किसी को पसंद आता होगा, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया. मैंने अपनी हैप्पीनेस को इन हैबिट्स में बाउंड नहीं किया है, चाहे वो सिगरेट हो गया या ड्रिंक हो गया, ये कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं. हर कोई बोलता है मुझे कि अरे एक बार तो, अभी भी मुझे बोलते हैं, मैं अभी भी अगर ग्रुप में बैठी हुई हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि अरे ट्राई तो करना ही चाहिए, पी के देखो उसमें क्या बुराई है, ये है. तो ये कोई जूस तो है नहीं कि हम सबको ट्राई करना चाहिए. तो ही इज ऑल्सो नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंक एंड ऑल. तो हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल है, बिकॉज हम दोनों को ये पसंद नहीं है. और ऐसा नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स नहीं, हमारे हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं सब पीते हैं, ठीक है. तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज के, बट मुझे नहीं पसंद है. शमा का है, यू आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर अस, लव फ्रॉम पाकिस्तान. अब तो रिप्लाई कर देना. मैंने रिप्लाई किया, मैंने आपके आंसर का ही क्वेश्चन दे दिया, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक का, और ये मुझसे अपना एक पर्सनल चीज पूछ रही है. शी इज आस्किंग मी कि दैट शी लाइक समवन एंड उनके घर वाले अग्री नहीं कर रहे हैं एंड शी इज प्लानिंग टू रन अवे, मतलब वो भागने का सोच रही है और भाग के शादी करने का सोच रही है. और वो मुझसे मेरा एडवाइस मांग रही है कि मैं इस पे क्या सोचती हूँ, कर दूंगी इसके बारे में. मैं आपसे 4-5 क्वेश्चंस करती हूँ, हो सकता है शायद ये चीज आपका ब्रेन वॉश कर दे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एक चीज बताओ, आपके पेरेंट्स ने कितने साल आपको पाला है. आई थिंक आपकी एज होगी, मैं मिनिमम एज मान के चलती हूँ 25 साल, ठीक है 25 साल. और 25 साल से उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया आपके ऊपर, आपको अच्छे से खिलाया पिलाया, कुछ आपको प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास लेके गए, आपको अच्छे से कपड़े पहनाए, सब कुछ किया, राइट सब कुछ किया आपके लिए. अभी आप एक 5 साल का रिलेशनशिप या 4 साल का रिलेशनशिप या 3 साल का रिलेशनशिप, आई डोंट नो, हो सकता है 10 साल का रिलेशनशिप हो, बट पैदा हुए हो तब से तो रिलेशनशिप था नहीं ना, राइट. वो भी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ आप कभी रहे नहीं हो इन द सेंस मीन्स आप दिन रात उसके साथ नहीं रहे हो. पेरेंट्स के साथ आप दिन रात रह रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में आपके अप्स एंड डाउन्स में हर एक टाइम पे आपके पेरेंट्स आपके साथ थे. वो बंदा मुझे नहीं पता आपके साथ, एक रहना बहुत अलग होता है और दूर के ढोल सुहाने वाली सिचुएशन बहुत अलग होती है. आप एक लड़के के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाने का सोच भी कैसे सकते हो, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है आपको लेकर के, आप सोच कैसे सकते हो ये चीज, मतलब ये बहुत गलत और बहुत घटिया चीज है, बहुत घटिया चीज है. कौन भागता है आज के टाइम पे, क्यों भागना है. और कन्वेंस योर पेरेंट्स ना, अगर वो इस चीज पे अड़ चुके हैं कि उनको इस लड़के से आपकी शादी नहीं करवानी है, आस्क देम व्हाट इज द रीजन. इफ कास्ट इज द रीजन, ट्राई टू कन्वेंस देम. वेट करो जब तक पेरेंट्स नहीं मानते हैं, वेट करो. मतलब ये भागना तो इज लाइक वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. मतलब ये बस, मैं ये इतना गंदा वर्ड यूज नहीं करना चाहती हूँ यूट्यूब पे, बट मैं सच बता रही हूँ, मुझे जब मैं किसी की स्टोरी सुनती हूँ कि ये भागा हुआ है,
मेरे लिए उसके लिए उसको लेकर के कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान इतने सालों से अपने माँ बाप का नहीं हो पाया है वो इंसान अपने पति का हो जाएगा, या उस वो इंसान ट्रस्टवर्दी है? मैं इस चीज को कभी फेवर नहीं करती हूँ, मुझे कभी पसंद नहीं। इनफैक्ट शायद मेरा खुद का कोई सगा भाई बहन ऐसी हरकत करता तो मैं उससे कभी लाइफ में बात नहीं करती। थोड़ा सा इसलिए मैं बोलती हूँ कि लड़कियों को ना एजुकेशन अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, अच्छी उनको घर पे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, सब अपने पेरेंट्स के साथ ओपन रहो, अपने पेरेंट्स के साथ सब शेयर करो। अगर वो इनकेस नहीं मान रहे हैं आपके किसी बंदे के लिए तो उनको समझाओ, कन्विंस करो, भागो मत, वेट करो। अगर आप जेन्युइन हो ना, आप दोनों को इतना है, आप दोनों जेन्युइन हो, आपका बंदा जेन्युइन है, टेल हिम टू वेट फॉर यू और यू जस्ट वेट फॉर हिम। अगर आपको लगता है कि लड़के के घर में प्रेशर आ रहा है, उसको शायद लेट हिम गो, यार मैं मर जाऊंगी, इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगी, मुझे ये सब बहुत बुलशिट लगता है कि पेरेंट्स को दुखी करके कभी कोई खुश नहीं रह सकता है। आपको क्या लगता है, आप अपने पेरेंट्स को दुखी करके भाग जाओगे, उनकी आत्मा को इस तरह से तड़पाओगे और आपको लगता है आप अपना नया जीवन खुशी खुशी स्टार्ट कर लोगे? नेवर। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन यूट्यूब एंड हु इज योर दुश्मन इन यूट्यूब? तो दुश्मन दुश्मन क्या होता है, यूट्यूब में कोई दुश्मन नहीं होता है। और अभी वी आर ग्रोन अप्स यार, दुश्मन क्या है, दुश्मन तो कोई नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना चैनल रन कर रहे हैं। इट्स वेरी किडिश, ये सब बचपन में होता था कि ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, ऐसे दुश्मन दुश्मन जैसा कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर किसी को लेकर कोई ग्रजेस नहीं है, इतना होल्ड मैं कर भी नहीं सकती हूँ किसी के लिए। मेरे को हो गया, चीजें हो गई, खत्म हो गया, फिर नॉर्मल हो जाती हूँ मैं। मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है तो अनन्या के साथ है। मतलब अगर मेरे साथ कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी हुआ है या मैं थोड़ी ब्रेक डाउन हूँ या कुछ है तो आई यूजली कॉल अनन्या, सबसे पहले मैं उसको कॉल करती हूँ। एंड सेम विथ हर, उसके साथ उसको ब्रेक डाउन हुआ है, उसको मन अपना भारी हो गया, उसका कुछ हम करना है, सो वी यूजुअली कॉल ईच अदर एंड डिस्कस थिंग्स एंड फिर वो मुझे काम डाउन करती है, मैं उसको काम डाउन करती हूँ। सो वी आर लाइक वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड और उसका नेचर एग्जैक्टली लाइक मी, मेरे टाइप का ही उसकी कहीं ना कहीं थिंकिंग है, सोच है, तो वैसा है। हम लोग काफी अच्छे और भी बहुत सारे लोग हैं। था मेरा Q&A, आई नो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट क्वारंटीन टाइम है, सब लोग घर पे ही हैं, लॉकडाउन है, तो आप आराम से इसको एंजॉय करिएगा। एंड आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड आपको इस Q&A से कुछ आप जो क्वेश्चन आप जानना चाहते थे उसका आंसर मैंने दिया, सबके आंसर मैंने दिए, कोशिश करी है मैंने। तो आई होप यू रियली लाइक दिस, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।